एक डिफेंस है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो छप रहा है या जो दिखाया जा रहा है वही एकमात्र सत्य नहीं है, सत्य वो भी है जो हम नहीं दिखा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे पाठकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप गोदी मीडिया और विद्रोही मीडिया और पता नहीं किस किस तरह की मीडिया की बात कर लेते हैं, एक्चुअल खबर जो पाठकों तक पहुंचनी चाहिए पाठक पता ही नहीं कर पा रहा है कि असल चीज़ है क्या। तो 30 साल 32 साल पहले जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी और अभी 2023 में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, उस ट्रेंड चेंज होते हुए ट्रेंड को हमने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। एक्चुअल थॉट इसका किसी का क्रिटिसाइज करना नहीं है, हम लोग इस फील्ड के हैं, इस फील्ड में हम लोग आपस में खुद ही मनन कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ पे है। तो उस दिक्कत को समझने के लिए, उस दिक्कत को समझाने के लिए और पत्रकारों के बीच में, आम आदमी के बीच में उस दिक्कत को एक्सप्लेन करने के लिए हमको किताब लिखने की आवश्यकता पड़ गई है। देखिए, जो भी आदमी कमेंट करता है वो इंसान होता है, उसके पास अपना विवेक है, लेकिन क्या है कि एक ही चीज़ को आप, जिसको प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म कहते हैं, आप अगर प्रोपेगेंडा करेंगे तो एक कहावत थी कि आप 100 झूठ को 100 बार बोलिएगा तो वो सच बन जाएगा। इस दौर में वही चीज़ किया जा रहा है। हम जो फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट्स को कोई चेक नहीं करता है, जो एक बार हो गया वो एक बार हो गया। तो मणिपुर में अगर 3 मई को वीडियो सामने नहीं आता तो हमारे प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते नहीं, ना अपोजिशन को इसकी भनक थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनट टू मिनट की हर जानकारी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम था कि वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है। और अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन में अमित शाह ने क्लियर कट बताया कि भाई वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उसको हमने बदल दी है, लोकल आदमी नहीं है, है तो एक आध है, बाकी सारे के सारे दिल्ली के लोग गए हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया भाई, आप चीज़ों को छुपा रहे हैं। आप एक तरफ लोकसभा में कह रहे हैं कि वहाँ पर मैकेनिज्म हमने चेंज कर दिया, चेंज कर दिया तो आपको जानकारी थी कि 3 तारीख को वहाँ पर क्या हुआ है, आपको 4 तारीख को इस चीज़ का रेफरेंस लेना चाहिए था, आपको लोगों के सामने बात करनी चाहिए थी, पर आपने ऐसा किया नहीं। ये आपके इंटेंशन पे उंगली उठाने का मौका देता है। इस पत्रकारिता को भी समझने की ज़रूरत है कि 3 तारीख के बाद जिस तरह से 4 तारीख को अखबारों में खबरें छपी, वीडियो वायरल किए गए, उस पर भी कमेंट एक बहुत बड़े सेक्शन के द्वारा ये फैलाया गया कि ये कांग्रेस ने करवाया है, ये विपक्षी पार्टियों ने करवाया है, ये 26 पार्टियों का गठजोड़ है उसने करवाया है, भाई ये नहीं करवा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, उसको शक करना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को, नहीं किया गया। तो मणिपुर जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वीडियो वायरल किया जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट उसका है। आप अगर गंदी मानसिकता के हैं तो आपको उसमें बड़ा मजा आएगा, आप अगर शुद्ध मानसिकता के इंसान हैं तो आप उस वीडियो को देख नहीं पाइएगा, हम तो नहीं देख पाए। पत्रकारिता के इस दौर में जबकि इसको बहुत ही ज़्यादा कंडेम करना चाहिए था, लोगों ने कंडेम नहीं किया, इसको चटकारा ले लेकर के मज़े का हिस्सा बना दिया, तो मुझे ख़राब लगा। और ये हमारी पत्रकारिता का हिसाब किताब पहले कभी नहीं था। हम हर चीज़ को ओपन करते जा रहे हैं। ओपन करना कौन सा जर्नलिज्म है भाई, जो ओपन करना है वो करो ना। जो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इतनी योजनाएँ चल रही हैं सारी की सारी फेल करती जा रही हैं, क्यों? तो जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं, जो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं और जिसको आप खोल करके रख सकते हैं, वहाँ पर आपका दिमाग नहीं है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं से गाइड हो। तो ये जो गाइडिंग फोर्स है ये इतनी ताकतवर है कि अखबार के संपादक से लेकर के रिपोर्टर तक सारे के सारे लोग उसकी बात मानते हैं, और एजेंडा दे दिया जाता है टेलीविज़न चैनलों को कि भैया आपको यही चलाना है। आप देखिए, इतनी बड़ी घटना हुई तो बताया जा रहा है कि साहब मणिपुर में ये हुआ, तो कह रहे हैं मणिपुर की बात क्यों करते हैं आप, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए। अरे भाई मेरे, जो घटनाक्रम मणिपुर में आकार लिया है, जो उसकी नृशंसता है, वो ना छत्तीसगढ़ में है, वो ना राजस्थान में है, ना वो वेस्ट बंगाल में है, वो कहीं नहीं है। मणिपुर का पहला और आखिरी केस है। अब वहाँ के सीएम कह रहे हैं कि ऐसे तो सैकड़ों FIR हम लोगों ने करवाया है, सैकड़ों मामले रोज आते हैं, मतलब ये बताता है कि हम मेंटल लेवल पर कहाँ हैं। तो बहुत ख़राब स्थिति है, और इनका जवाब है वो दौर ये दौर। चूँकि हम बैकग्राउंड से अपने जब
चीज़ों को भूलते हैं, ग्रास रूट को भूल जाते हैं, तो यही पत्रकारिता होती है जिससे हम और आप आज की तारीख में दो चार हो रहे हैं। ग्रास रूट हमारा मजबूत रहता, सस्ते मजदूर और सस्ते श्रमिक नहीं लगाए जाते। लोगों को तो पत्रकार आजकल मजदूर दिखते हैं भाई। तो यही कुल मिला करके मामला।